आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेड लाइसेंस के बारे में ए टू जेड कंप्लीटली. व्हाट इज अ ट्रेड लाइसेंस, टाइप ऑफ ट्रेड लाइसेंस एंड व्हाई डू यू नीड अ ट्रेड लाइसेंस. हेलो, मेरा नाम है आकिब अहमद. बिजनेस पार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. पहला सवाल है कि आखिर ट्रेड लाइसेंस होता क्या है. एक लाइन पर बताऊं तो ये एक स्टैब्लिश सर्टिफिकेट है जो आपको अलाउ करता है कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करने की अनुमति पत्र. अगर और अच्छे से कहा जाए तो आप कोई एक बिजनेस कोई एक लोकेशन पे कर रहे हो तो उसका एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करके उनका अप्रूवल लेना कि आप कोई भी अनएथिकल काम नहीं कर रहे हो, आप एक लीगल बिजनेस ही कर रहे हो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ट्रेड लाइसेंस ये एक कॉमन टर्म्स है, लेकिन इसके साथ साथ इसको ट्रेड सर्टिफिकेट या तो फिर एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी कहा जाता है. अभी अगर आपका सवाल ये है कि क्या ट्रेड लाइसेंस लीगल है, जी हाँ, यस, ये लीगल है. ट्रेड लाइसेंस को एक्सप्लेन किया गया अंडर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1954 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये काफी पुरानी एंड शुरू से चलती आ रही एक लॉ है, लेकिन इसका अलग से कोई डायरेक्ट मिनिस्ट्री या तो फिर लीगल एंटिटी नहीं है. अभी सवाल यह है कि एक ट्रेड लाइसेंस को आखिर इशू कौन करता है. जहां तक एक ट्रेड रजिस्ट्रेशन का मैटर है तो ये फिर स्टेट गवर्नमेंट की सब्जेक्ट है. हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये काम को म्यूनिसिपलिटी एंड पंचायत ऑफिस को सौंप दिया है. आप अगर इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कोई एक पर्टिकुलर म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन के अंदर या तो फिर म्यूनिसिपलिटी टेरिटरी के अंदर आता हो तो ये सर्टिफिकेट आपको एक म्यूनिसिपलिटी ऑफिस ही इशू करेगा. अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कोई रूरल या तो फिर पंचायत ऑफिस के अंदर आता हो तो ये सर्टिफिकेट आपको पंचायत अथॉरिटी ही इशू करेगा. यही सेम रूल पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है. अगला सवाल है एक ट्रेड लाइसेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? तो जवाब में मैं कहूंगा ये मोटा मोटा सिर्फ चार ही टाइप की होती है. नंबर वन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस. अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस कोई पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, अगर ये स्मॉल मीडियम या तो फिर लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ये आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस कराना पड़ेगा. तो मतलब ये हुआ आप कोई भी चीज या तो फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको इसी टाइप की ही रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. नंबर टू, फूड सप्लाई लाइसेंस. अगर आप कोई स्मॉल या तो फिर मीडियम लेवल की फूड सप्लाई के ऊपर बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि रेस्टोरेंट या तो फिर लोकल बेकरी शॉप, तो फिर आपको इसी टाइप की लाइसेंस कराना जरूरी होगा. लेकिन अगर आप कोई लार्ज स्केल की फूड सप्लाई की बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि चिप्स या तो फिर बिस्किट्स कोई एक ब्रांडेड कंपनी की तरह, तो फिर आपको अलग से FSSAI से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. FSSAI का डिटेल इंफॉर्मेशन पाने के लिए ऊपर आई बटन प्रेस करके आप वो वीडियो को देख सकते हो. नंबर थ्री, शॉप रजिस्ट्रेशन. ये नाम के साथ ही कोरिलेटेड है. अगर आप स्मॉल या तो फिर मीडियम लेवल की रीसेल के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में बिजनेस ओपन करना चाह रहे हो या तो फिर शॉप ओपन करना चाह रहे हो तो आपको इसी टाइप की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. तो ये था मेनली तीन टाइप की ट्रेड रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी. इसके बाद चौथा होता है हॉट वर्क कैटेगरी के लिए. अगर आपका बिजनेस फायर वर्क के साथ कोरिलेटेड है, जैसे कि फायर क्रैकर्स, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग या तो फिर वेल्डिंग, तो फिर आपको इसी टाइप की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा. और इसके साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट से एक NOC लेना जरूरी होता है. लेकिन कुछ कुछ स्टेट पे ये प्रोसेस एक्सेप्शनल है, लेकिन ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के लिए ये प्रोसेस सेम है. आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी टाइप की रजिस्ट्रेशन कराना है. फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, अगर आप नए हो, पहला बार ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी टाइप की आप ट्रेड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा. नाउ द मेन क्वेश्चन, व्हाई डू यू नीड अ ट्रेड लाइसेंस एंड हाउ टू अप्लाई. आंसर देने से पहले मैं यहाँ पे एक सवाल और ऐड करूंगा जिसके अंदर ही इसका अच्छा जवाब छुपा हुआ है. डू यू नीड अ ट्रेड लाइसेंस
और यूं कहूं तो क्या एक्चुअल में आपको एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत है? इसका एक जवाब हाँ भी है और दूसरा जवाब ना भी है। आइए जानते हैं कैसे। तो अगर पहले नो पे डिस्कशन करें तो यूं कहा जा सकता है, अगर कोई डॉक्टर या तो फिर एडवोकेट या तो फिर कोई सीए जो अपना प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता है। ऐसे ही अगर किसी का स्कूल है या तो फिर कोई एक चैरिटी चला रहा हो तो उसके लिए भी ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है। मैं कोई और दिन इसके ऊपर वीडियो बना के इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो फिर आप ये जानना जरूर चाहोगे कि एक ट्रेड लाइसेंस कौन कौन सी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट या तो फिर जरूरी होता है। सिंपली कहूं तो अगर आप कोई भी चीज ट्रेड कर रहे हो या तो फिर कोई भी चीज अगर सेल कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस, तो फिर आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ही जरूरी होता है। इससे आप कोई भी लोकेशन में अगर बिजनेस कर रहे हो तो फिर आप एक लीगल प्रोसेस के अंदर आ जाओगे। अभी आप ये पूछोगे तो फिर ये ट्रेड लाइसेंस कैसे अप्लाई करना होता है। एक ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन या तो फिर ऑफलाइन दोनों प्रोसेस में ही अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए आपका केवाईसी जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या तो फिर आधार कार्ड, प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ इसके साथ अप्लाई करना होता है एंड विद इन 7-15 वर्किंग डेज के अंदर आपका ट्रेड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। अगले वीडियो में इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्या एक ट्रेड लाइसेंस की कोई भी वैलिडिटी होती है? जी हाँ, होती है। एक ट्रेड लाइसेंस की मोर ऑर लेस 1 ईयर वैलिडिटी होते हैं और कोई कोई एक्सेप्शनल केस है जहां पे 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, लेकिन 99% केस में एक ट्रेड लाइसेंस का 1 फाइनेंशियल ईयर वैलिडिटी होता है, यानी कि 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप जनवरी पे अप्लाई कर रहे हो तो ये 31 मार्च पे जाके एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको 1 अप्रैल में इसको रिन्यूअल कराना होगा और आगे ये और 1 साल वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगा टिल 31 मार्च। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर और जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट्स है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ। आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।